तो एम एस एक्सेस डेटा में हमने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म बनाया बनवाया आपसे, आपने बनाए भी है। हम बात करते हैं कि फॉर्म के ऊपर कोई अगर एडिशनल बटन, जैसे यहाँ पे नेविगेट करने के लिए तो यहाँ पे चीज़ें दी गई है ना, बट क्या होता है कि हर किसी को पता नहीं होता है एक यहाँ पे स्टाइलिश बटन हम कैसे लगाएंगे। चलिए इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा इसको लेआउट, डिजाइन मत कीजिएगा, ठीक है, लेआउट। डिजाइन में कब जाते हैं, जब इस पर प्रोग्रामिंग और कोडिंग करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बटन्स। तो ये रहा बटन्स आपका, और बटन जैसे आप ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते ही आपको यहाँ से एक कस्टम विजार्ड आपको दिखेगा, ठीक है। मतलब ये बताता है कि जो बटन आपने डिजाइन किया है उस बटन के ऊपर क्या होने वाला है, राइट सर? राइट राइट, समझ रहा। तो यहाँ हमने बटन लिया, यहाँ पे डिजाइन किया, और यहाँ पे हमने बोला कि भाई मुझे इसमें न्यू रिकॉर्ड्स करने हैं, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन पे क्लिक किया, ऐड नो रिकॉर्ड, नेक्स्ट। आपको क्या चाहिए, मतलब कि ऐड नो रिकॉर्ड का सिंबल चाहिए या फिर टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, ऐड रिकॉर्ड, वो सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट एंड फिनिश। क्या आ गया। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं, रिपोर्ट लेआउट में ये आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना, बड़ा सा फॉर्मेट बन गया। मैं जब छोटे 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 बने तो इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड जब इस लेआउट डिजाइन में जाते हैं तो आपको सही तरीके से वो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, आपकी अपनी सेटिंग नहीं करने देता है। आपको अपनी सेटिंग करनी है तो इसको डिजाइन व्यू में जाइए, ठीक है, इसको पकड़ के नीचे कर दीजिए। अब देखिए डिजाइन व्यू में आप अपने हिसाब से यहाँ करेंगे, फॉर्मेट में डिजाइन, सॉरी डिजाइन में आइए ऊपर, और ये आपका बटन है ना, बटन को क्लिक कीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बटन ऐड करना चाहता हूँ, ये ऐड किया। अब इस ऑपरेशंस में रिकॉर्ड में हमने बोला ऐड न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पे टेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश, आ गया। अब इसको अपने हिसाब से जहाँ मर्जी वहाँ ले जा सकते हो, जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। मुझे और चाहिए इसमें, मैं बटन पे गया और यहाँ पे हमने फाइन पे, सर फाइंड रहते हैं ना सर, क्या सर फाइंड। हाँ, इसमें जैसे रिकॉर्ड ऑपरेशंस है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे डिलीट रिकॉर्ड करना है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, प्रिंट रिकॉर्ड है, सेव रिकॉर्ड है, अंडो रिकॉर्ड है, और यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड। अब फाइंड रिकॉर्ड पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने टेक्स्ट कलेक्ट करके नेक्स्ट एंड फिनिश कर देता हूँ, ये फाइंड रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब बोलेंगे सर फाइंड रिकॉर्ड एंड फाइंड नेक्स्ट में क्या अंतर है, तो फाइन नेक्स्ट मतलब हुआ कि इसे सर्च करेंगे तो उसकी अगली चीज, अगला सर्च करेंगे। जैसे एक चीज आपने सर्च किया, उसमें अगर 10 चीजें मिली है तो फाइन रिकॉर्ड पहला दे देगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड उसके दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा देगा, ठीक है। तो एक बार सारे बटन को समझ लेते हैं, राइट। तो रिकॉर्ड नेविगेशन पहला था, रिपोर्ट नेविगेशन। रिपोर्ट नेविगेशन में फाइन नेक्स्ट करना है, फाइन रिकॉर्ड करना है, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, समझे? हाँ समझे। अब रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, अंडो रिकॉर्ड। सर आपने वो राइट्स दिए, मैं वो ऑल्ट आर कर देता हूँ ना, क्योंकि मैंने किया नहीं है सर। क्या? हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसा आप रिकॉर्ड कर लीजिए, मैंने अलाउ कर दिया। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। उसके बाद आता है फॉर्म ऑपरेशंस, पूरा फॉर्म के ऊपर, जैसे कि अप्लाई फॉर्म फिल्टर। आप मान लीजिए फॉर्म के अंदर कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म, प्रिंट फॉर्म, प्रिंट करेंट फॉर्म। अब प्रिंट फॉर्म क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको बताएगा कौन सा फॉर्म, और करेंट फॉर्म मतलब कि जो फॉर्म एक्टिव है उसको प्रिंट करना है। रिफ्रेश फ्रॉम द डेटा, अगर मान लीजिए डेटा कहीं से आ रहा है तो उसको रिफ्रेश कर देगा, समझे? हाँ समझा सर। रिकॉर्ड ऑपरेशन पे आते हैं, तो रिकॉर्ड ऑपरेशन में आता है मेल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स को मेल करता है, आपको आउटलुक खोल के दे देगा। ओपन रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स मतलब कि
आगे जो रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, अभी रिपोर्ट हमने पढ़ा नहीं है, रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आप कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट को ओपन करना चाहते हैं, रिपोर्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, फाइल सेंड करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पूरी एक्सेस को क्विट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, और मिसलेनियस जैसे कि आप ऑटो डायलर, इससे क्या होता है टेलीफोन भी होता है, और आपके पास इसका टेलीफोन वाला सॉफ्टवेयर है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आप। प्रिंट टेबल, एक पर्टिकुलर टेबल को प्रिंट करना, माइक्रो को रन करना और क्यूरी को रन करना, तो ये चीज़ हम आगे बताएंगे जब माइक्रो क्यूरी बढ़ाएंगे, बट यहाँ से इसको बटन अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, तो आपने रिकॉर्ड नेविगेशन सीख लिया, रिकॉर्ड ऑपरेशन सीख लिया, फॉर्म सब चीज सीख लिया सर, तो एप्लीकेशन में क्विट एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम इसको नेक्स्ट एंड फिनिश कर देते हैं। अब मैं इस फॉर्म को क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ आ गया, जैसे ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक हो जाएगा, हो गया ब्लैंक। अब यहाँ पर अपना डेटा डाल दीजिए। अब जैसे ये शॉकिंग है, आपने बोला कि मुझे समझ में आया हुआ है, समझे? हाँ समझे सर। अब टेबल अब इसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि डेटा ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, तो चेंज नहीं करेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब जैसे डेट आपने ले लिया तो क्या होगा, यार कैलेंडर दे रहा है ना आपको सर, अगर डेट पर टेक्स्ट लेते तो कैलेंडर नहीं देता। ओके, और यहाँ पे अब यहाँ पे ऐड, जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा। फाइन रिकॉर्ड, आप मान लीजिए फाइन करना चाहते हो, तो मैंने बोला कि मुझे फाइन करना है 15 नंबर, फाइन आ गया 15 नंबर रिकॉर्ड, ठीक है। फाइन नेक्स्ट, अगला आ गया, अगला 15 यहाँ पे था ना, ये आ गया, और क्लोज एप्लीकेशन, पूरी की पूरी एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, समझ गए? हाँ समझ गए। तो आप क्या कीजिए, इस सारे फोन्स में जो बटन्स मैंने बताए हैं, सारे बटन्स को इस्तेमाल कीजिए और दोबारा भेजिए। अच्छा, बटन यूज करके दोबारा भेजूंगा जी।